हज़ाद गिरदाब में आज हम जिक्र करेंगे माशरे में बढ़ती हुई खुदकुशियों का एक ऐसा रुझान जो कि हमें एक बहुत से सवाल का सामना करने पर मजबूर कर रहा है मैं आपको दो मुख्तलिफ ख़ुदकुशियों की अशकाल दिखाता हूँ एक आदमी है जो कि एक वलनेबल नौजवान शख्स को लेता है उसे यह कहता है कि तुम अगर खुदा की राह में अपने आप को उड़ा दोगे तो सीधे जन्नत में पहुँचोगे और तुम्हारे मरने के बाद यकीन अमरीका का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तुम खुदकुश हमलावर बन जाओ बहुत से लोगों को अपने साथ लेके मर जाओ तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हारे खानदान को पाँच दस लाख रुपया देंगे उनकी ज़िंदगी यहाँ इस जहन्नुम नमा ज़मीन पर जन्नत बन जाएगी और तुम तो जन्नत में बैठ के हूरों के साथ अटकेलियाँ करोगे ही एक और ख़ुदकुशी ऐसी है कि एक ऐसा तबका और एक ऐसा इदारा है जो कि करोड़ों आवाम की आंखों में अपने इंतबी मंशूर के ज़रिए उम्मीदें और ख्वाब सजा देता है आहस्ता आहिस्ता, आहिस्ता उम्मीदें टूटने लगती हैं ख्वाब बिखरने लगते हैं और इस कदर नाउमीदी छा जाती है कि उन खबों और उन उम्मीदों की आस पे बैठा हुआ, हुआ उनका गरीब वोटर अपनी जान भी ले लेता है और अपने बच्चों और ख़ानदान की जान भी ले लेता है और उसके बाद यही लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए उसकी मौत के बाद उसके बचे खुचे खानदान के पास जाते हैं और नाम नहाद चेक देते हैं ये खानदान भी इस जहन्नुम से छुटकारा पाने के लिए खुदकुशी का रास्ता अपनाकर एक बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए जो शायद अबदी हो और अपने तई इससे बेहतर हो मजबूर हो जाता है क्या फ़र्क है आपके ख्याल में हम दहशत गर्दों को कितना बुरा कहते हैं कि वो नौजवानों को बहका कर कुछ हमलावर बनाते हैं मगर आप उनको क्या कहते हैं जो हम सबको बहकाते हैं अपने वादों से और जब वादे पूरे नहीं करते तो नाउमीदी के ऐसे मुहिब अंधेरों में धकेल देते हैं जिनसे निकलने का एक ही रास्ता एक कमजोर इंडिविजुअल को नजर आता है और वो है अपनी जान को भी ले लेना और अपने लवाहकिन की भी खौती इस पूरे किस्से पर बात करने के लिए मैंने अपने साथ कुछ इंतहाई काबिल शुरुका को दावत दी है मैं सबसे पहले उनका आपसे तारफ़ करवा दूँ मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद इकबाल साहब जो कि सबक सफ़ीर हैं और इसके अलावा रिटायर्ड वाइस एडमिरल भी हैं और इस वक्त वो नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं उनके साथ तशीफ़ रखते हैं प्रोफ़ेसर साद मलिक साहब प्रोफ़ेसर साद मलिक साहब किसी तारफ़ और तारीफ़ के भी मोहताज नहीं हैं मशहूर माहर अमराज नफसियात हैं और यकीन इस प्रोग्राम में हमें इस पूरे ट्रेंड को समझने में इंतहाई मदद देंगे और आखिर में हमारे साथ एक हमारे इंतहाई मुहतर साथी प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं जो कि माहिर समाजियात हैं और जाहिर है कि अगर एक मवाशर एक समाज में कोई भी रुझान परवरिश पा रहा है तो उसके बारे में इनसे बेहतर और कौन जान सकता है मैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आऊँगा अमूमन सर एक माशरे में जो खुदकुशी होती है उसकी वजूहत क्या होती उमर ये डिपेंड करता है कि हम किस माशरे की बात कर रहे हैं आ, मसलन स्वीडन है नदरलैंड है वहाँ पे ज़्यादातर ये रुझान एल्डरली मेल्स में होता है और वहाँ पे ज़्यादा डिप्रेशन और लोनलीनेस इसकी वजह होती है चाइना में बहुत रुझान है इंडिया में बहुत रुझान है और हमारे यहाँ जो रुझान पिछले पंद्रह साल से बढ़ रहा है उसकी कुछ तो वजूहत आम प्रेस में इंसान इकट्ठी कर लेता है लेकिन जो स्टडीज़ एक्चुअली हुई हैं साइंटिफिक स्टडीज़ जो इंटरनेशनली रेकगनाइ हैं उनमें से एक स्टडी आगा ख़ान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुराद मूसा ने की है उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है उस हिसाब से हमारे यहाँ मर्दों में खुदकशी ज़्यादा होती है बन औरतों के रेशियो इज़ अबाउट फाइव इज टू वन यंगर मेल्स कमिट सुड पैंतीस से कम और जो मेन रीज़न सुइसाइड का है वो एक डिप्रेशन है और एक कॉन्फ्लिक्स विद द फैमिली और पावर्टी uh, और ये सबसे जो uh, परेशान कन बात है वो ये है कि यंग मेल्स किल एम जिनकी अर्निंग एज होती है जो हेड ऑफ फैमिलीज होते हैं और जो दूसरी परेशान कन बात है वो ये है कि मैरिड लोगों में इसका रुझान ज़्यादा है हालांकि बाहर के मुल्कों में सिंगल लोगों में ज़्यादा रुझान है सो so, हमारे यहाँ मैरिज खास तौर पे औरतों में डज नॉट सीम टू बी अ प्रोटेक्टिव फैक्टर और जो फर्दर वर्ग बात है वो ये है कि रिलेशनशिप्स की वजह से अक्सर लोग खुदकशी करते हैं सो so हमारे निज़ाम में कोई ऐसी तब्दीली आई है फैमिली सिस्टम में कि बजाय एक फैमिली प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट स्ट्रेस और अगेंस्ट होपलेसनेस इट हैज़ बिकम अ फैक्टर टूवर्ड्स कमरिंग सर आपकी बातें बेनतहा अहम हैं है और मुझे जो कुछ चीज़ें बिल्कुल पहली दफ़ा पता चली हैं कि हमारे यहाँ अमूमन क्या वजूहत बनती हैं मसलन एक बात जिस पर मैं भी बहुत देर से यकीन कीजिए थोड़ा थोड़ा ईमान रखता था कि शादीशुदा लोग जल्दी मरने मारने पर उतर आते हैं तो वो आपने भी प्रूव कर दिया बिल्कुल और उसके अलावा सर जो ये आपने कहा कि बहुत सारे लोग रिश्तेदारियों की वजह से खुदकुशी की तरफ राग़ब हो जाते हैं तो हमारे यहाँ या तो फिर इंसानी ताल्लक़ में कोई ऐसी बुनियादी खराबी है कि वो हमें तकवीत नहीं देती हमें हौसला नहीं देती बल्कि हमें मज़ीद इंतशार का शिकार करती है डॉक्टर हफीज़ साहब सर आपने एक नफसियाती नुक़ नज़र से अभी आपने आप बहरावर किया अब सर आपका चूँकि शोभा इस तरह का है कि उसमें एक सोशल साइकी को बहुत दखल है समाजियात में आप सर इस बारे में क्या कहते हैं कि हमारे माशरे में इस वक्त बढ़ता हुआ ख़ुदकुशियों का रुझान किन वजूहत की वजह से देखिए अभी बात हुई गुरबत को ले लें या ये शादी ये नौजवान लोग उम्र थोड़ी वाले लोग ज़्यादा वाले लोग उस मुल्क में कोई और वजूहत इस मुल्क में कोई और वजूहत ये वजूहत हर माशरे की अपनी अपनी है लेकिन एक कामन वजह है वो कामन वजह सब माशरों में है वो वजह वो है रिश्तों का कमज़ोर होना रिश्तों का कमज़ोर होना से मुराद सिर्फ़ इंसानी रिश्तों की बात नहीं हो रही है इंसान का अपने आप का रिश्ता अपने एनवायरनमेंट के साथ जिसमें लोग भी शामिल हैं और चीज़ें भी शामिल हैं एनवायरनमेंट भी शामिल हैं सड़क घर दीवारें मेज़ कुर्सी हर चीज़ शामिल है हमारा रिश्ता ओवरऑल इन चीज़ों से कमज़ोर हो गया है एक किताब छपी है एक वैसे है क्रिश्चियन मिशनरी है उसने लिखी है केयर फॉर अर्थ जब आप केयर नहीं करते किसी चीज़ की तो वो चीज़ भी आपकी केयर नहीं करती है एक टेबल है ना इसकी ये नुक्कर बनी हुई हो ये अगर आपको लग जाए तो आप इसको अगर थोड़ी से मारेंगे तो कई नुकरें और निकल आएंगी और अगर आप इसको प्यार से रेती से आहिस्ता आहिस्ता साफ कर देंगे तो ये कुंद आपको हो जाएगी, नुकसान नहीं पहुँचाएगी इसी तरीके से इंसान के इर्द गिर्द जो सॉफ्टनेस थी ना वो ख़त्म हो गई है हार्ड माहौल बन गया है अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि ये जो हम देखते हैं ना गुरबत पहले भी थी गुरबत आज भी है, गुरबत शायद फ्यूचर में भी होगी तो गुरबत के साथ कौन सी चीज़ नहीं मिल गई कि लोग खुदकुशियाँ करना शुरू हो गए असल में उस चीज़ को देखने की बात है गुरबत के साथ साथ इंसान को हमदर्दियाँ मिल जाती थी मुशरे से अजीज़ों से रिश्तेदारों से मोहल्ला के लोगों से कम्यूनिटी के लोगों से अब वो ऐसे महसूस होता है कि वो उन किसी के पास वक्त नहीं है किसी को देने के लिए तो इस वजह से गुरबत के साथ एक सहारा था इंसान का मज़हब का रिलीजन का वो मज़हब का सहारा भी छीन लिया गया है लोग उससे भी दूर हो गए हैं तो गुरबत तो थी लेकिन एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम मौजूद था वो भी छीन गया उसकी वजह से लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं सर अगली ब्रेक में मैं यकीन जावेद साहब आपकी तरफ आऊँगा इन दोनों साहब की गुफ्तु करने के बाद तो मुझे ये समझ आई है कि वक्त की बदलती हुई रफ्तार के साथ हमारा माशरा शायद अपना पेस नहीं रख सका हमारे यहाँ शख्सी आज़ादी का और इंसानी तरक्की का बहुत ज़िक्र होता है हम ये भूल जाते हैं कि जब रफ्तार ज़िंदगी की बहुत तेज़ हो जाएगी तो हमारे पास भी वक्त के साथ साथ एक ख़ास किस्म की मजबूरी होगी कि हम इंसानी रिश्तों को मजबूत करने पर वक्त नहीं लगा सकेंगे क्योंकि उनमें से शायद मटीरियल फ़ायदा नहीं होता ख़ुद को भी तन्हा करेंगे और दूसरों की तनहाई में भी इजाफ़ा करेंगे वैसे हफीज़ साहब आज अगर समाजियात वाले ये कह रहे हैं तो मैं उनको एक डेढ़ सौ साल पुराना दाग दहलवी का शेर सुनाता हूं उन्होंने ये कहा था कि अपने ही गम से नहीं मिलती निजात इस बिना पर फिक्र आलम क्या करें आप फिक्र आलम करते रहिए हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा आपके पास आ रहे हैं